सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बिपिन रावत जी को। और ये पहले हमारे आर्मी चीफ थे, और अभी हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। फिर एक फुटवेयर ब्रांड है, जूतों का ब्रांड है रेड चीफ, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? विक्की कौशल। फिर इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया था? 5.6%। फिर है टू स्लीप इन अ सी ऑफ स्टार नाम की जो बुक है उसको किसने लिखा? क्रिस्टोफर पाउलिनी। फिर है लंदन की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ने 2019 के द ऑनरेरी फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी से किसे सम्मानित किया? जी सतीश रेड्डी को, डीआरडीओ के अध्यक्ष ही है, और 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी मिला था इनको। फिर है भारत और किस देश के बीच में पहला MINEX 2019 अभ्यास हुआ था? जापान के साथ हुआ था ये हमारा। कहाँ पे हुआ था? केरल के कोच्चि में हुआ था, नवंबर की बात है। अच्छा, ये तो MINEX है, एक इम्बेक्स भी होता है IMBEX जो हम म्यांमार के साथ करते हैं, और एक सिम्बेक्स होता है जो हम सिंगापुर के साथ करते हैं, और एक सिटमैक्स भी होता है जो हम सिंगापुर और थाईलैंड के साथ करते हैं। और जापान की ही पर्टिकुलर बात कर ले तो जापान के साथ हम सिनियोमेट्री करते हैं, सहयोग काजिन अभी हमने करा, और धर्मा गार्जियन भी हम जापान के साथ करते हैं। फिर है महाग्रहम कस्य संविधानम किस संस्था का आदर्श वाक्य है? तो आंसर होगा लोकपाल का। और भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया किसी के धन के लिए लालची मत बनो। एक्चुअली अभी लोकपाल के लोगो के लिए और इसके स्लोगन के लिए कंपटीशन कराया गया था, तो इसका लोगो जो सेलेक्ट किया गया, जो डिज़ाइन उसका सेलेक्ट किया गया, वो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी हैं प्रशांत मिश्रा, उनके लोगो के डिज़ाइन को सेलेक्ट किया गया था। फिर है NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से A+ ग्रेड रेटिंग पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। फिर है 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? नवंबर में हुआ था ये लखनऊ में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने। फिर है डेफकॉम इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये एक तरह का सेमिनार था और ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। बढ़ते आगे, फिर है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंसर होगा लिंगप्पा नारायण स्वामी। फिर है किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इक्वेडोर ने। कब छोड़ेगा? तो ये जनवरी 2022 तक। और इक्वेडोर की कैपिटल क्वीटो है, QUITO। अच्छा, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। फिर है विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर तो आप जानते ही हो वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं, और इस बार इसकी थीम क्या थी? यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। ये थीम अभी किसी एग्जाम में पूछी गई थी। फिर है स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। और यहीं पे मोदी जी ने देश को खुले में शौच से मुक्त भी घोषित किया था, और 2022 तक देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य भी यहीं पे रखा गया था। फिर है पहला खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बनेगा? मणिपुर में ये बनेगा। वैसे पिछले ही साल अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि दिल्ली में बनेगा पहला खेल यूनिवर्सिटी, लेकिन मणिपुर आप याद रखें, मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HDFC बैंक के प्रगति रथ को लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। कौन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? जयराम ठाकुर है। फिर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विजय पाटिल को। संयुक्त अभ्यास नॉर्मेडिक एलिफेंट 2019 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो मंगोलिया और भारत के बीच में। अक्टूबर की बात है, ये इसका 14वां संस्करण था। और हुआ कहाँ पे था? ये हिमाचल प्रदेश के बकलोम है। फिर है किस राज्य सरकार ने YSR वाहन मित्र योजना शुरू की थी? YSR से आप समझ ही गए होंगे आंध्र प्रदेश की ये योजना है। क्या थी ये योजना? तो जो ऑटो ड्राइवर होते हैं, कैब ड्राइवर होते हैं, उनको 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। फिर है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आपूर्ति की निगरानी के लिए किस पोर्टल को शुरू किया? तो प्रकाश नाम के पोर्टल को। प्रकाश मतलब पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे।
तो अब कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला शुरू हुआ? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर है, इस गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एडजुटेंट कौन बनी है? एडजुटेंट जो कि दल का नेतृत्व करती है, तो आंसर होगा तानिया शेरगिल। फिर है, किस भारतीय मूल के छात्र ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीजी अवार्ड जीता? ईश्वर शर्मा ने, भारतीय मूल के ब्रिटिश छात्र हैं, योग के क्षेत्र में इन्होंने ये अवार्ड जीता। फिर है, अ न्यू इंडिया सेलेक्ट राइटिंग 2014-19 पुस्तक जो है वो किसके चयनित लेखन यानी कि सेलेक्टेड जो राइटिंग से उनका संकलन है उनको कलेक्शन करके बुक बनाई है? तो आंसर होगा अरुण जेटली जी। और ये जो बुक है मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की नीतियों और निर्णयों के बारे में बताती है। फिर है, भारत सरकार देश में ईंधन संरक्षण के लिए किस अभियान को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा सक्षम। तो इस अभियान के थ्रू लोगों को तेल व गैस के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। फिर है, बैम्बू वंडर ग्रास पर कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जम्मू में किया गया। हमारे डोनर मंत्री हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जितेंद्र सिंह, उन्होंने। वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं? तो 18 सितंबर को। फिर है, किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा नेपाल ने। और योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। फिर है, 8 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया, क्या थे वो? ओडीआई फिल्मकार थे वो, उड़ीसा से थे, मतलब फिल्मकार थे। फिर है, किस कंपनी ने भारत में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो आंसर होगा अमेजन ने। और इसका उद्देश्य यह है कि भारत में लघु और मध्यम व्यवसायों को डिजिटल बनाना। फिर है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया। आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने हैं, 28वें नंबर के। फिर है, भारत और बांग्लादेश के सूचना व प्रसारण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं। फिर है, किसे ICC का 2019 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड मिला विराट कोहली को। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। कल भी मुझे आप लोगों को वो लिस्ट देना था लेकिन वो लिस्ट मैं देना भूल गया, तो अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फुल फॉर्म में पूछा था, आपने बता दिया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछते तो पेरिस फ्रांस में। फिर है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन से नंबर के? 23वें नंबर के। फिर है, भारत का पहला और एकमात्र यूनियन टेरिटरी जो कि सोलर एनर्जी से चल रहा है? दीव। फिर है, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला? करेन उलेनबेक, अमेरिका ने ये। और ये पहली महिला बनी थी ये एबल पुरस्कार जीतने वाली। ये एबल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेशनल क्या ये वुड फॉसिल पार्क, ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर राजस्थान में है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी थी? गौरी सावंत बनी थी जो कि पहली ट्रांसजेंडर मदर भी है। बुक भी आई थी इनके ऊपर, क्या नाम था बुक का? गौरी अर्ज टू फ्लाई, जिसको लिखा था रिदम वागुलीकर ने। और याद रखना, भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के शायद कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बन रहा है। बढ़ते आगे, तो इम्पॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड टीचर डे ये हमने 5 अक्टूबर को मनाया। थीम मैंने आपको पीछे भी बताई थी, यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। और इससे जस्ट एक महीने पहले नेशनल टीचर डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को। फिर है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये हमने साल में 2 बार मनाया है, 11 मई को और 12 अक्टूबर को। थीम क्या रही? प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। फिर है, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया, और इसी दिन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। फिर है, विश्व मानक दिवस, मानक यानी कि स्टैंडर्ड, तो 14 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम क्या रही थी? वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने मनाया 11 अक्टूबर को, और उसकी थीम रही थी गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। फिर है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। फिर है, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया।
नेशनल फूड डे की बात करेंगे तो नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को मनाया, जिस दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है इसी दिन। और वर्ल्ड फूड डे की बात करेंगे तो 16 अक्टूबर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर को मनाया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाया अपन ने। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे बात करेंगे तो 29 जून को। अच्छा, मैंने बोला वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाते हैं, हर साल नहीं मनाते, हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। सबसे पहले 2010 में, फिर 15 में, अब 2020 में मनाएंगे। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक डे हर साल मनाते हैं 29 जून को। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिविजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका व्हाट्सएप, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है, वहां पे इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे पुराने करंट अफेयर्स के, तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए और देखिए क्या स्कोर रहता है आपका। हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।